ये आपके पीछे जो एम्बुलेंस खड़ी है, क्या आज इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन हो गया? जी। इसके बारे में कुछ और बताइए, क्या सुविधा मिलेंगी? ये एम्बुलेंस नगर पालिका में उपलब्ध रहेगी 24/7, और इसका किराया प्रति किलोमीटर 8 रुपये के दर से निर्धारित किया गया है, रिपोर्ट ने निर्धारित किया है। ये आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। आम जनता से ये अनुरोध है कि ये अब इस योजना का लाभ उठाते रहें और समय से टैक्स का भुगतान और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। आम नागरिक एम्बुलेंस सुविधा हासिल करने के लिए क्या किस नंबर पर कॉल करेगा? कोई नंबर वगैरह इस पर आपको करा दिया जाएगा? अभी कई जगह चस्पा भी करा दिया जाएगा उसको, नंबर को उस नंबर पर फ़ोन करके वो किसी समय भी अपना एम्बुलेंस प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी अगर औपचारिक रसीद होगी 2 किलोमीटर चलेगी 8 से वो करके वो इस नगर पालिका को भुगतान कर देंगे। अभी अगर फिलहाल में हाल फिलहाल में किसी को चाहिएगी तो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है? नगर पालिका कॉन्टैक्ट कर सकता है कहाँ पर? हाँ, नगर पालिका उसके नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, 24/7 खुला हुआ है नंबर। ठीक है, कर ले। चेयरमैन साहब, ये जो एम्बुलेंस खड़ी है आपके पीछे, ये नगर पालिका की एम्बुलेंस है, क्या आज से इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन हो गया? आज बड़ा खुशी का दिन है, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये नगर पालिका की तरफ से समस्त नगरवासियों के लिए ये एम्बुलेंस नगर पालिका ने सब अपने सदस्यों के सहयोग से पब्लिक की मांग पे मंगाई है। उसको भी किसी तरफ की जरूरत पड़े तो नगर पालिका का कार्यालय में इसे संपर्क करें और नगरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा एक JCB मंगाई है, JCB बस जिसको जरूरत पड़े वो भी काम कर सकता है अपने नगर पालिका का। अभी क्या इसके लिए कोई अलग से नंबर जारी किया कांटेक्ट के लिए? हाँ, इसके लिए अलग से नंबर जारी किया, अभी हमने आपको बता दूँगा एक बार तो वो आप बात कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ शहरवासियों से मेरी ये भी एक अपील है कि अपने शहर को एक बार आपका शहर स्वच्छ भारत मिशन में नंबर आ चुका है, वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। मैं सुने में ये किया है कि इस बार भी स्वच्छ भारत मिशन में सिवारा हमारे एक नंबर पर है, मुझे भी हासिल किया जो सब आपके सहयोग है। कूड़े का जहाँ तक सवाल है, कूड़े के लिए पानी की बातचीत चल रही है और जब नगर पालिका की गाड़ी जाए आप उस पर कूड़ा डालें, ये आपकी खुद अपनी जिम्मेदारी है सफाई रखना, क्योंकि COVID-19 चल रहा है, संक्रामक रोग फैल रहे हैं और बीमारी का मेन मकसद जो है वो एक कूड़ा है। उसको भी आप ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, वक्त भी वक्त बाहर से आएँ तो अपना हाथ मार धोएं। ये सबके सहयोग की मैं आपका अपील करता हूँ और एक बार पुनः आपसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सब लोग मिलकर दोबारा को नंबर बनाने में